आज फिर इतिहास से एक बार दोहराया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज चौखट हमारी होगी और आनंदो अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रहा होगा हमारे सामने। मुझे जवाब चाहिए, क्या सोचते हैं आप मेरे बारे में? काश मैं तुम्हें बता पाता, मगर मगर क्या बारे में बाबू? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, किसी से मिलकर बिछड़ने का क्या दर्द होता है मैं जानती हूँ, मगर उसके बाद उससे मिलने की जो खुशी होती है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आशा आशा आशा, तंग आ गया हूँ मैं ये नाम सुनकर। आखिर वो चाहती क्या है, वो होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? जब देखो तुम्हारे कान भरती रहती, मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों पड़ी है मेरे पीछे? मैं आज ही महेश बाबू के घर जाऊंगा और आशा से बात करूंगा। शौक से जाइए, मगर आज आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आशा घर पर नहीं है। कहां गई? मुझे मालूम नहीं, मैंने उन्हें बहुत बार फोन करने की कोशिश की मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसका तो यही मतलब है ना कि वो घर पर नहीं है। अरे हाँ, उसका तो एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में होगी। आप सही कह रहे हो, आपको कैसे पता? हाँ वो अभी तो ये क्या करने जा रहे हो रमेश? अगर तुमने इसे बता दिया कि आशा हॉस्पिटल में है तो ये वहां जरूर जाएगी। हिम पहले से ही है वहां, कहीं इसकी मुलाकात हिम से हो गई तो नहीं, तुम कमला से कुछ नहीं कहोगे। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है अगर घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा तो जाहिर सी बात है वो लोग कहीं बाहर गए होंगे। हाँ मगर मैं महेश बाबू के घर जरूर जाऊंगा उनसे बात करने। हेलो, कैसी हो आशा? मेरा मतलब है सुशीला। माफ करना, तुम्हें उसी नाम से बुलाने की आदत थी इसीलिए मुँह से आशा ही निकल गया। मैं समझ सकती हूँ, वैसे मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? क्या कहा तुमने? डॉक्टर साहब तुम मुझे महेश बाबू ही कहा करो, तुम्हारे मुँह से वही अच्छा लगता है। ठीक है, महेश बाबू ही कहूँगी। तुम अचानक आज यहाँ से चली गई, घर तुम्हारे बिना बहुत खाली खाली सा लग रहा है। वैसे वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है तो महेश बाबू, आपके घर से जुड़ी मेरी यादें अब तक ही सीमित हो गई। ये घर जितना मेरे लिए अजनबी है, आपका घर उतना ही मेरे लिए अजनबी हो गया। हाँ सुशीला, सही कहा तुमने, मगर वहां तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ के लोगों ने तो मुझे अपना ही चुके हैं, अब बहुत जल्द इस घर को भी मेरी आदत हो जाएगी। जानकर खुशी हुई कि तुम वहाँ खुश हो, मगर याद रखना कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती रहना, ठीक है? और बताओ हेम कैसी है? हेम जी मेरे पास ही है, आप खुद ही पूछ लीजिए। हेलो, कैसे हैं डॉक्टर महेश आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं और आपके बाबा की तबीयत कैसी है अब? आपकी दवाइयों का काफी अच्छा असर हुआ है और आप सुशीला की चिंता ना करें, अब से वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पर मुझे पूरा भरोसा है हेम, तभी तो उसे आपके साथ जाने दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देंगी। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊं, अभी मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। बहुत ही अच्छे इंसान है महेश बाबू। और मैं उस इंसान से भी मिलना चाहूंगी जिसे आपने चुना। आप इतनी प्यारी है तो आपके होने वाले पति कितने अच्छे होंगे।
इसमें इतना सोचने की क्या बात है, मैं कल ही उनसे मिलवाऊंगी। नहीं, अब कोई नहीं बचा। ये तो बड़े दुख की बात है। बेटा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा जोगिन मिल गया। जोगिन, इतना रात हो गया है और तुम अभी तक सोया नहीं? एटा चोल बेना, एटा चोल बेना। काका, नींद नहीं आ रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, हमारा जोगिन बड़ा हो गया और इतना बड़ा हो गया है कि अपनी परेशानी अपने काका को भी नहीं बताएगा है? कुछ नहीं काका, मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में इतनी परेशानियां क्यों हैं। कुछ दिन पहले बॉर्डी इतना दुखी थी और जब सुशीला दी की कहानी सुनी तो मन भर आया। हाँ, सुशीला के बारे में सुना तो बहुत दुख हुआ। हेम ने बताया कि एक तूफान में उसका परिवार और उसका पति दोनों बिछड़ गए और पता भी नहीं चला कि वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। लेकिन सुशीला को ये उम्मीद है कि उसका पति जिंदा है। काका, उनके परिवार में से कोई जिंदा होता तो उन्हें जरूर खोजता और उनका पति भी उनको जरूर तलाशता। मुझे लगता है उस हादसे में उनके पति की मौत हो गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन कभी कभी चमत्कार भी होते हैं और उसी चमत्कार को देखने की मैं प्रार्थना करता हूं और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूं कि उसका पति जिंदा हो। बस काका, ऐसी बातें करके हम खुद को झूठी दिलासा ही देते हैं। जादू चमत्कार जैसी चीजें बचपन में कितनी सच्ची लगती थी, मगर हम जैसे ही बड़े होते गए तो पता चलता है कि ये तो मन का धोखा है। कभी कभी ये धोखा भी जिंदगी की उम्मीदों पे खरा उतरता है। जैसे सुशीला के अंदर ये उम्मीद उसको जीने का हौसला देती है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो वो टूट जाता। आप सच कह रहे हैं काका, कभी कभी झूठ और भ्रम जिंदगी के लिए कितने जरूरी हो जाते हैं। हाँ, अच्छा अब ये सोचना बंद करो, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, जाओ। काका, क्या हुआ? अरे पगले। काका, जब से बॉर्डी सुशीला दीदी को लाई है मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन आपसे बात करके आज मेरा मन हल्का हो गया। आज आपने जीने का नजरिया दे दिया काका, थैंक यू। यू ऑलवेज वेलकम मेरे बच्चे, रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। तुम्हारा उस गांव में अब कोई नहीं? नहीं, अब कोई नहीं बचा। ये तो बड़े दुख की बात है। बेटा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? हम तुम्हारे पति के नाम से गांव में पता लगाने की कोशिश करेंगे
कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैंने बताया ना काका, हमारी शादी हमारे ससुर जी ने तय की थी और हम बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, ये नाम ही नहीं पता चल पाया। तुम्हें तुम्हारे पति का नाम नहीं पता, तुमने कभी तुम्हारे पति का चेहरा भी नहीं देखा। ऐसे में तो तुम्हारे पति को खोजना रेत में गिरी हुई सुई को खोजने बराबर है। कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, ये नाम ही नहीं पता चल पाया। गांव में उन्हें छोटे दादा कहते हैं, बस इतना ही पता है। हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पति का चेहरा तो याद होगा ना, हम वैसे खोज लेंगे। समझ नहीं आता अपने भाग्य को दोष दूं या रस्मों रिवाज को। हमारे यहाँ शादी में दुल्हन दूल्हे का चेहरा तब तक नहीं देखती जब तक वो उसके साथ उसके घर गृह प्रवेश ना कर ले। तुम्हें तुम्हारे पति का नाम नहीं पता, तुमने कभी तुम्हारे पति का चेहरा भी नहीं देखा। ऐसे में तो तुम्हारे पति को खोजना रेत में गिरी हुई सुई को खोजने बराबर है। देखो बेटा, मुझे लगता है तुम कुछ भूल रही हो। तुम एक दफे फिर से याद करने की कोशिश करो। जो भी तुम्हें याद आए सोचो अच्छी तरह से। हाँ, बारीकी से हर बात को सोचो और मुझे यकीन है कि कोई ना कोई रास्ता हमें जरूरी मिल जाएगा। याद आया काका, हमारे गांव में एक उर्मिला काकी रहती है, उनको पता है हमारा ससुराल कहाँ है। अगर उनसे बात हो जाए तो शायद मुझे मेरा घर संसार मिल जाएगा। काका, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा, पता लगाऊंगा। समझ नहीं आ रहा आप लोगों का ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगी। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है भाई। अरे बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। काका, कैसी बातें कर रहे हैं आप, सुशीला सही तो कह रही है। सही कहा सुशीला तुमने, इतना बड़ा एहसान तुम कैसे चुकाओगी। हेम जी, अब जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूं। सोच लो, बाद में तुम मुकर मत जाना। आप लोग जो मेरे लिए कर रहे हैं उसके बदले आप मेरी जान भी मांगोगे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा वादा चाहिए। मेरी शादी से पहले अगर तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाते हैं तो तुम्हें अपने पति के साथ मेरी शादी में आना होगा।
ये नहीं कि पति मिल गया और पति के प्यार में डूबकर तुम हम सबको भूल जाओ। अच्छा तुम लोग बैठो भाई, मैं गांव जाने का जल्द से जल्द क्या साधन मिल सकता है पता लगा के आता हूं। हैं? आप नहीं जानते, एक औरत के लिए उसका पति ईश्वर होता है और मैं बेवकूफ अपने ईश्वर से ही लड़ पड़ी। सब कुछ सह सकती हूँ, मगर आप मुझसे नाराज रहे ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। मुझे छोड़कर मत जाइए। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आप नहीं जानते, एक औरत के लिए उसका पति ईश्वर होता है और मैं बेवकूफ अपने ईश्वर से ही लड़ पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, लौट आइए मेरे पास। मुझे देर, मैं जा से भूल जाऊं। कैसे भूल जाऊं? आज तक मेरा पति मेरा नहीं हो पाया। मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। क्यों, हुआ ना धमाका भूख का? चलिए खाइए। कमला, वाकई में तुम्हारे हाथ में जादू है। हाँ सच में कमला, खाना बहुत टेस्टी बना।
आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। कमला, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूंगा, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं मेरी, प्लीज। तो बता क्यों नहीं देते? आप वकील हैं, शब्दों के साथ कैसे खेला जाता है आपको बहुत अच्छे से आता है, कहीं आप मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? मैंने माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाने का संकल्प लिया है। 9 दिन की पूजा में पति पत्नी का गठबंधन करके इस पूजा में यज्ञ आहुति देना है, तभी पूजा सफल और संपन्न होगी। मैं चाहती हूँ इस यज्ञ आहुति में आप मेरा साथ दें। क्या बात है रमेश, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, कुछ भी करके कमला को सच बता देना चाहिए। कुछ हुआ है क्या? जो हो रहा है बारेन, अब मैं उसे रोक नहीं पा रहा। मैं कुछ समझा नहीं। बारेन, कमला के दिल दिमाग से मैं अपने आप को जितना दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो उतनी ही मेरे नजदीक चली आ रही। ये बात मैं भी महसूस कर रहा हूं यार, इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि नहीं बारेन, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम कमला को भूल जाओ। हेम जी, आप किसी काम से आई थी? देखो, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई, मैं शाम को तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे? सोचो सोचो। समझ गई, आपके होने वाले पति आ रहे हैं ना? हाँ। हेम का फोन था क्या? हाँ। समझ में नहीं आता कि इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं। कभी कभी तो इतनी समझदारी दिखाती है और कभी कभी बच्चों की तरह जिद करने लगती है। हेम के पास नहीं जाओ तो वो नाराज हो जाती है, कमला के पास जाओ तो उसके सवाल नहीं रुकते। अरे करूं तो क्या करूं यार।